अमृतसर ट्रेन हादसा एक कड़वी सच्चाई। इन सात कारणों से गई 59 लोगों की जान और मिले गहरे जख्म। अमृतसर में हुआ हादसा एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे ताउम्र भुलाया नहीं जा सकेगा। इसने वो गहरे जख्म दिए हैं जिनका मरहम नहीं कोई। अब हादसे को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन आखिर हादसा होने की वजह क्या थी, आइए जानते हैं। 19 अक्टूबर दिन शनिवार, अमृतसर में जोड़ा फाटक के पास दोबी घाट पर दशहरे का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवजोत कौर सिद्धू मुख्य अतिथि थी, वे आए भी। भारी संख्या में लोगों का हुजूम उस दिन रावण दहन देखने के लिए उमड़े। क्योंकि कार्यक्रम में LED लगी थी तो काफी लोग ट्रैक पर खड़े होकर कार्यक्रम देखने लगे। करीब 6:30 बजे अंधेरा हो चुका था। एक ट्रेन आई और लोगों को कुचलते हुए निकल गई। 59 लोगों की जान चली गई। करीब 70 इस समय अस्पताल में हैं। कार्यक्रम का इंतजाम सही नहीं था हादसे की एक वजह। कार्यक्रम का आयोजन सही तरीके से न होना। कहा जा रहा है कि जिस जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां इतने लोगों के बैठने का इंतजाम नहीं किया गया। लोगों को ट्रैक से हटने को नहीं कहा गया। LED ट्रैक की तरफ लगाई गई, इसलिए लोग पटरी पर खड़े होकर कार्यक्रम देखने लगे। रेलवे को आयोजन की जानकारी नहीं। रेलवे का कहना है कि उन्हें दोबी घाट पर कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी नहीं दी गई थी। अगर उन्हें पता होता तो पूरे इंतजाम किए जाते। वहां से ट्रेन की आवाजाही रोकी जाती। क्योंकि आयोजकों ने रेलवे अधिकारियों को कुछ नहीं बताया, इसलिए रेलवे भी ये अत्यतन कोई कदम नहीं उठा सका। फिर अंधेरे की वजह से ड्राइवर को ट्रैक पर खड़े लोग नजर भी नहीं आए। मुख्य अतिथि देर से पहुंची। कहा जा रहा है कि मुख्य अतिथि नवजोत कौर सिद्धू के देर से पहुंचने के कारण हादसा हुआ। अगर वे समय पर पहुंचती तो समय पर रावण दहन हो जाता, कार्यक्रम खत्म हो जाता और ट्रेन के आने से पहले लोग ट्रैक से हट जाते। नवजोत कार्यक्रम शुरू होने के 1 घंटे बाद आई तो सारा आयोजन लेट हो गया। पटाखों की आवाज में सुनाई नहीं दिया हॉर्न हादसे की एक वजह रही पटाखों का शोर। ट्रैक पर काफी संख्या में लोग खड़े थे। जब भी ट्रेन आती है तो हॉर्न जरूर दिया जाता है, लेकिन रावण दहन की वजह से पटाखों का शोर गूंज रहा था। इस शोर में ट्रेन के हॉर्न की आवाज दब गई, लोग सुन नहीं पाए और ट्रेन उन्हें कुचलते हुए निकल गई। दूर से रावण को जलते हुए देखने की चाहत ने भी 59 लोगों की जान ले ली। कार्यक्रम को देखने के लिए जो लोग पहुंच रहे थे उनमें से ज्यादातर ट्रैक पर ही खड़े हो गए। वे दूर से रावण को जलते हुए देखना चाहते थे। दूर से रावण दहन काफी अच्छा लग रहा था। LED स्क्रीन भी लगी थी, इसलिए लोग कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे ही नहीं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। कार्यक्रम के आयोजन को देखते हुए पुलिस बल की मौजूदगी भी कम थी। कहा जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई थी। जितनी संख्या में लोग पहुंचे थे उन्हें संभालने के लिए पुलिस वाले कम थे। जो थे वो कार्यक्रम स्थल तक ही सीमित रह गए। ट्रैक पर खड़े लोगों तक वे पहुंच ही नहीं पाए।